बढ़ते हैं आगे। एक बड़ी खबर दंतेवाड़ा से इस वक्त मिल रही है, जहां पर 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली हिड़मा मुचाकी ढेर हो गया है। तो जवानों को सफलता यहां पर मिली है। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में इनामी नक्सली ढेर हो गया है। मौके से नक्सली के शव के साथ 9 mm पिस्टल भी बरामद किए गए हैं। चिकपाल के मारजूम के जंगलों में ये मुठभेड़ पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई। तड़के सुबह यहां पर यह मुठभेड़ हुई है। तो 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली हिड़मा मुचाकी ढेर हो गया है। पुलिस नक्सली मुठभेड़ यहां पर हुई और इसी मुठभेड़ में इनामी नक्सली ढेर हुआ है। मौके से नक्सली के शव के साथ 9 mm के पिस्टल भी बरामद हुए हैं। चिकपाल और मारजूम के जंगलों में ये घटना घटित हुई है, ये मुठभेड़ हुई है। चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए पंकज भदौरिया संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, जानना चाहेंगे पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई, जवानों को एक बड़ी सफलता की इनामी नक्सली ढेर हुआ है, अभी क्या कुछ हालात, क्या अपडेट है इस मुठभेड़ को लेकर? आज सुबह तड़के की मुठभेड़ बताई जा रही है। सुबह तड़के चिकपाल और मारजूम के जंगलों में डीआरजी और सीएफ के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। दंतेवाड़ा एसपी ने इसकी पूरी पुष्टि करते हुए जानकारी दी है कि कल शाम के सर्चिंग पर निकली थी फोर्स, वहां पर उन्होंने नक्सलियों को छुपाया हुआ आईडी और बम भी बरामद किया। 3 आईडी मौके से उन्होंने बरामद की। उसके बाद पुलिस उस इलाके में एम्बुशिंग करके बैठी हुई थी। इसी बीच नक्सलियों की एक जो 10 से 12 नक्सलियों की टुकड़ी है वो फंसी है और दोनों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद एक 5 लाख का इनामी नक्सली उस इलाके में मारा गया है, जिस पर 5 लाख का रिवार्ड भी लगाया गया था। पुलिस ने उसकी तस्दीक भी की है और जारी भी किया है कि इस पर 5 लाख का इनाम लगा हुआ था। उसी के पास से एक 9 mm की पिस्टल और कुछ सामान भी बरामद हुआ है। जवानों ने नक्सलियों का शव सुपुर्द में लेकर के पहुंच गए हैं। जी चलिए, बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया पंकज आपका। तो आपको बता दें कि नक्सली के शव के साथ में 9 mm का पिस्टल बरामद किया गया है। चिकपाल और मारजूम के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है। तड़के सुबह की ये घटना, जब डीआरजी और सीएएफ के जवानों और नक्सलियों के बीच में ये मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ में नक्सलियों के घायल होने की बात एसपी कह रहे हैं। कटेकल्याण थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। मंगलवार को इसी इलाके में 3 आईडी और वायर भी बरामद किए गए थे। दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की है। नक्सलियों द्वारा पुलिस मुठभेड़ के शक में टेटम के ग्रामीण को नयानार में बांध के जान से मारने की कोशिश की गई। जनतेवार डीआरजी द्वारा उसको रेस्क्यू किया गया। उसी की सूचना पे कल हमने चिकपाल पे पार्टी लॉन्च की थी डीआरजी और पीएफ की, जो कि रात के 2 बजे बड़ा डंप मिला था, जिसमें की 3-5 किलो के आईडी और 3000 मीटर तार मिला था। वहां पे हमें सूचना मिली कि बगल की पहाड़ी में नक्सली डेरा डाले हुए हैं, तो घेराबंदी की गई। जब सुबह पहाड़ पे चढ़ रहे थे तो नक्सलियों के हैवी फायर आया। करीब 45 मिनट की फायरिंग के बाद जब फायरिंग रुका तो हमने सर्च किया तो एक नक्सल डेड बॉडी मिली, जिसकी पहचान हिड़मा मुचाकी के रूप में हुई। 5 लाख का इनामी है, कटेकल्याण एरिया कमेटी सदस्य है। 15 से ज्यादा गंभीर आरोप, जिसमें कि मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, आईडी ब्लास्ट का आरोपी रहा है।